अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मटर कीमा। इंग्रेडिएंट्स में शामिल है कीमा आधा किलो, दो प्याज, एक कप मटर और आधे प्याली दही। मसालों में शामिल है हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल ले लीजिए एक प्याली, पतीली में डाल के गरम कर लीजिए। जब गरम हो जाए तो उसमें हमें शामिल करनी है दो दरमियानी प्याज स्लाइस हुई हुई। इसको हमने गोल्डन कर लेना है अच्छे से, बारीक बारीक काट लीजिए धोकर, और फिर आप इसको फ्राई करने रख दीजिए। फ्राई करते हुए चमचे चलाते रहिए, वरना प्याज जो होती है वो डार्क होने का डर होता है, और जब वो ज़्यादा डार्क हो जाती है तो जो सालन होता है उसका कलर भी अच्छा नहीं आता, और टेस्ट भी जो होता है वो थोड़ा हार्ड सा फील होता है, यानी तलख हो जाता है। तो हमें प्याज का ख्याल रखना है। कुछ लोग प्याज जो है वो पकने छोड़ देते हैं और वो जल जाती है, ऐसा नहीं करना। प्याज को गोल्डन कर लेना है। जब प्याज फ्राई हो जाए, देख लीजिए फ्राई हो गई है, इतनी फ्राई करनी है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कीमा। कीमा डाल दीजिए आधा किलो, मशीन का कीमा या आप हाथ का भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें कीमा शामिल करा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बकिया मसाला जात। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए दो टेबल स्पून। वो डालकर आपने इसको लहसुन अदरक शामिल करके इसको भून लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है कीमे की वो ख़त्म हो जाए और जो रेडनेस है इसमें वो भी ना रहे। तो इसको अच्छे से प्याज लहसुन को अदरक को कीमे को डालकर भून ले। जब ये अपना कलर चेंज कर ले तो फिर हम इसके अंदर जो हमने मसाले बताए आपको वो शामिल करेंगे। लेकिन अभी देखें इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, तब तक हम इसको पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखें कितने अच्छे से भुन रहा है। जब ये भुन जाएगा तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक हसबे ज़ायका और हल्दी। ये शामिल करके फिर हम इसे दोबारा भून लेंगे। अब इस स्टेज पर देखें कीमे में हमने शामिल करना है ये सारे मसाले। देख लें, मिर्चें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो हमने ये मसाले इसमें शामिल कर दिए। आँच में हल्की रखती हूँ, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखती, वरना मसाले जल जाते हैं। एकदम से आप गरम गरम तेल में डालेंगे तो मसाले जो होते हैं वो फ़ौरन से जल जाते हैं, भुनते नहीं हैं, और उनका टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि फ़ौरन गरम गरम ऑयल में आप तेज़ आँच में पकाते हुए कभी भी मसाले शामिल ना करें, आँच को थोड़ा हल्का कर लें। अब मैं इसको कीमे को और अपने मसालों को अच्छे से पका रही हूँ ताकि ये यकजान हो जाएं और भुन जाएं। इनका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी कीमा जो है हमारा भुना नहीं है, उसमें थोड़ी सी जो है सुर्खी है। तो जब तक ये पकेगा फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, मसालों का टेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा। फिर हम इसको गलने रख देंगे, क्योंकि ये हाथ का कीमा है, मशीन का कीमा नहीं है। अगर मशीन का कीमा हो तो इसको गलाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, कि लेकिन मेरे पास हाथ का कीमा था तो इसको मैं थोड़ी देर गलाऊंगी ताकि जो इसके अंदर कसर हो वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक हम इसको भूनते रहेंगे ताकि ये पक जाए। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है माशाल्लाह से।
हल्की आंच पे भूनने का ये होता है कि जो सारे टेस्ट होते हैं ना वो हमारी डिश में निकल कर आते हैं। तेज़ आंच पे पकाने से जो है ना मसाले ख़राब हो जाते हैं, खाना भी जो होता है ना इतना ज़ायकेदार नहीं बनता जितना। अब हमने इसको ढक के रख दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जब हमने हटाया तो देखिए मसाला भुन चुका है हमारा, तेल भी ऊपर आ गया है। ये देखें मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ इसमें, तो उसके लिए एक्सक्यूज़। लेकिन जो है 5 मिनट के लिए आप उसको ढक के रख दें, 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा। दही शामिल कर दें इसमें, आधी प्याली जो दही मैंने आपको बताया था बिना मलाई के, मलाई ना हो दही में और दही ज़्यादा खट्टा भी ना हो, क्योंकि खट्टा होता है तो उसकी वजह से जो सालन होता है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, उसमें खटास सी आ जाती है। तो स्पेशली याद रखें जब भी कोई सालन बनाए, कोरमा या कीमा, इस किस्म के सालनों में जो है ना खट्टी दही नहीं डलती। तो आप दूध वाले से अपने कहें कि हमें खट्टी दही ना दें, या फिर आप खुद जो है जब बना रही हो तो खुद उसको टेस्ट कर लें। एक टिप ये भी है कि दही में दूध शामिल कर दें, तो जब हम दूध शामिल कर देते हैं ना तो उसका खट्टापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम दही को भून रहे हैं, जब दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और जो है तेल ऊपर आ जाएगा तो ये हमारा जो कीमा है ये भुन जाएगा। अभी देखें इसमें पानी है, सफ़ेदी नज़र आ रही होगी आपको, ये देखें हमारा कीमा भुन चुका है, उसका कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है, तेल भी देखें ऊपर आ गया है। ये साइन होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता कुछ लोगों को कि जो है ना किस तरीके से हम ये समझ सकें कि भुन गया है। कुछ लोग ओवर कुक कर देते हैं, कुछ लोग अंडर कुक रखते हैं, तो उसकी निशानी ये होती है कि जब आप चमचा चलाएंगे ना तो आपका जो कीमा होगा ना या जो भी सालन है वो पतीली से ये देखें मूव होगा, तो नीचे से पतीली नज़र आएगी ये देखें, और तेल ऊपर आ जाएगा। ये इसका निशानी होती है कि हमारा सालन या कीमा तैयार है। जैसे देखें मेरा कीमा एक साइड पे नज़र आ रहा है और तेल एक साइड पे नज़र आ रहा है और बिल्कुल तैयार है। जब मैं इसको चमचे चला रही हूँ तो नीचे से पतीली नज़र आ रही है। तो हमारा कीमा तैयार हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे मटर। मटर मैंने असल में ना फ्रीज़ करके रखे हुए थे, मैं मटर के सीज़न में मटर लेकर जो है ना उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। अब हमने मटर शामिल कर दिया है, मटर डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया कीमे के अंदर। अब कीमा तो हमारा भुना हुआ है, मटर को हमें गलाना है, तो हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारी मटर गल जाए और जो है मज़ेदार सा मटर कीमा तैयार हो जाए। ये देखें इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। कुछ लोग ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं लेकिन मुझे इस कंडीशन में पसंद है। लेकिन अभी हमने मटर शामिल किए, मटर गल गई है, देखें मटर गल जाती है तो वो ग्रीन से ना उसके अंदर येलो सी टच आने लगता है। ये देखें सालन तैयार है हमारा, खूबसूरत सा, भूख लगने लगी होगी देख के। तो ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। सॉरी वो जो है स्टीम की वजह से थोड़ी ब्लर हो गई पिक्चर। ये हमारा कीमा तैयार हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये मैंने प्लेट में निकाला, अब आप इसे चपाती से खा सकते हैं, तंदूरी रोटी से खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार होता है, बच्चों का फेवरेट होता है, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, टेस्टी। हम दिल्ली वालों में मटर कीमे में टमाटर यूज़ नहीं करते हम लोग, हम लोग दही ही डालते हैं मोस्टली, सालन हम दही के साथ बनाते हैं। ये देखें मेरा मटर कीमा तैयार है, बहुत मज़ेदार,
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।